नमस्कार, ओएसी सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट वायर स्प्लाइस के बारे में जानेंगे। कॉन्टैक्ट वायर स्प्लाइस इन ओएचई, ये आप देख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट वायर है 107 स्क्वायर एमएम हार्ड ड्रॉन कॉपर का, ये कॉन्टैक्ट वायर रहता है बना हुआ। और इसे हम स्प्लाइस कैसे करें, स्प्लाइस का मतलब होता है हम इसे जोड़ें कैसे। अगर आपका कॉन्टैक्ट वायर दो टुकड़े में टूट गया है तो हम उसे जोड़ेंगे कैसे, तो उसके लिए हम स्प्लाइस यूज़ करते हैं। आपको कैटनरी में भी स्प्लाइसिंग करना पड़ता है, वो मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट वायर स्प्लाइस के बारे में जानेंगे। तो ये आप जो एक पार्ट देख रहे हैं, ये है कॉन्टैक्ट वायर स्प्लाइस। इसका आर आई नंबर यहाँ पर इनग्रेव्ड है 1081-1, ये इसका आर आई नंबर है। और यहाँ पर ERF, ये मैनुफैक्चरर का इनिशियल है। इसका भी एक साइज में ही लिखा होता है, ये ड्राइंग के अनुसार ही है, 6 mm इसका साइज होता है और इसे लिखना जरूरी है। इसके अलावा इसके मैं सारे इसमें पार्ट कैसा होता है, किस तरह से ये बनावट है इसका, वो सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो आप देख रहे हैं एक कॉन्टैक्ट स्प्लाइस जो है, ये दो पार्ट से मिल के बना है। दो पार्ट है इसलिए इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट वायर स्प्लाइस पार्ट। दो पार्ट से मिलकर बना है और ये एक लोकेशन को स्प्लाइस करने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि अगर आपका ओएचई दो पार्ट में टूट गया है तो हम उसे स्प्लाइस करने के लिए ये हम एक कंप्लीट सेट यूज़ करते हैं। और इसके साथ जो भी आप ये होल देख रहे हैं, इसमें बोल्ट हम लगा के टाइट करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट वायर स्प्लाइस 1081-1 जो है, ये बना हुआ है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का। इसका मटेरियल क्या है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ठीक। इसके बाद इसका साइज, यहाँ से यहाँ तक जो साइज आप देख रहे हैं, इसका साइज होता है आपका 260 mm, मतलब 26 cm इसका साइज है, कंप्लीट साइज। आप इसको माप के देख सकते हैं, अगर माप के देखना चाहें, ये देखें, ये साइज आपका टिप टू टिप देखिए 26 mm साइज है इसका। और इसका चौड़ाई आप देख सकते हैं कितना है, 30 mm, इसका चौड़ाई 30 mm है। और जो होल है इसमें, जितना भी होल देख रहे हैं, इसका सेंटर हाफ पार्ट पे है। मतलब अगर ये 30 mm है तो 15 mm पे सेंटर होगा। आप देख सकते हैं 15 mm पे सेंटर है होल का। फिर इसमें आप दोनों पार्ट को आप देख सकते हैं, खोल के मैं दिखा रहा हूँ दोनों पार्ट, इसका दोनों सेम है, लेकिन एक लेफ्ट का है एक राइट का है, क्लियर है। ये दोनों आपस में कनेक्ट होता है। इसमें एक विंडो होता है, यहाँ से जब हम स्प्लाइस करते हैं तो स्प्लाइस को झांकने, मगर आपका कॉन्टैक्ट वायर का सेंटर जहाँ आप स्प्लाइस करें, सेंटर यहाँ होना चाहिए और ऊपर से देखना चाहिए कि दोनों चिपक गए हैं आपस में, इसलिए यहाँ पे विंडो दिया रहता है। इसमें 8 स्टड बोल्ट लगते हैं, जो आपका 12x25 mm का ये स्टड बोल्ट है, 12 mm का और 25 mm का इसका लेंथ है। अब मैं इसका और डिटेल बताता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं क्रोकोडाइल टीथ, ये आप देख सकते हैं, मैंने देख दिखा रहा हूँ, ये क्रोकोडाइल टीथ है जो कॉन्टैक्ट वायर के ग्रूव में जाके बैठता है। ये कॉन्टैक्ट वायर है, कॉन्टैक्ट वायर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ ग्रूव है, कॉन्टैक्ट वायर में ग्रूव है, एक ग्रूव इस साइड है और एक साइड ग्रूव इस साइड में। तो जब हम स्प्लाइस करते हैं तो इसका जो क्रोकोडाइल टीथ है वो इस ग्रूव में बैठेगा, इस ग्रूव में ये बैठेगा और टाइट करता है। तो ये टीथ जो आप देख रहे हैं, ये कितने टीथ हैं इसमें, एक स्प्लाइस में टोटल 41 टीथ होते हैं। ये क्रोकोडाइल टीथ 41 होते हैं, 41 क्रोकोडाइल टीथ हैं। और एक टीथ से दूसरे टीथ का जो गैप है ये 6 mm का होता है। इसके बाद हम चलते हैं इसके होल्स पे, जहाँ हम बोल्ट लगाते हैं, बोल्ट का भी क्या गैपिंग है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप इसका सेंटर यहाँ मार्किंग करते हैं, यहाँ इसका सेंटर है, इसके सेंटर से मार्किंग करते हैं तो हम कैसे देखते हैं कि बोल्ट कहाँ कहाँ लगता है और क्या गैप पे लग रहा है। सबसे पहले मैं बता दिया कि इसका चौड़ाई कितना है, 30 mm है, और सेंटर जो है 15 mm पे इसका सेंटर है। अब इसका जो यहाँ पे सेंटर होगा, आप देख रहे हैं टोटल कितने 8 होल हैं, इधर 4 और इधर 4, और इसके सेंटर से फर्स्ट होल का सेंटर 20 mm पे है। उसे हम सर यहाँ से फर्स्ट होल का सेंटर 20 mm,
फिर फर्स्ट होल से सेकेंड होल का सेंटर जो है ये 25 mm पे है, इधर भी ये यहाँ से 25 mm पे। उसके अलावा अब देख रहे हैं हम सेकेंड होल से थर्ड होल का सेंटर जो है ये 30 mm पे है, उसके अनुसार इधर भी 30 mm पे, लास्ट वाला भी फिर आपका 30 mm पे, ये भी 30 mm पे, और फिर बाहर से आपका 25 mm, इधर भी 25 mm। तो ये कंप्लीट कितने हो गए आपका 260 mm, और इसमें आपका प्लस माइनस 2 mm का वेरिएशन हो सकता है डायमेंशन में, वो अलाउड है ड्राइंग के अनुसार, प्लस माइनस 2 mm का वेरिएशन अलाउड है। तो ये हो गया आपका स्प्लाइस का पार्ट्स, और आपका यहाँ पे क्या लिखा है जो RI नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ 1081-1, लेकिन जैसे हम इसमें बोल्ट लगा देते हैं, ऑटो बोल्ट जैसे हम इसमें फिक्स कर देंगे तो इसका RI क्या हो जाएगा 1080-1। तो हम इसका बोल्ट लगा के देखते हैं कैसे हम बोल्ट लगाएंगे। तो इसमें भी एक चीज़ आपको देखने, देखिए एक होल बड़ा है एक छोटा है, फिर यहाँ एक होल बड़ा है एक छोटा है, तो इसके जो अपोजिट साइड में इसमें जो कम्बिनेशन बैठता है, जैसे इसके बगल में यही कम्बिनेशन है, तो बड़े के साथ एक छोटा, फिर छोटे के साथ एक बड़ा, तो मतलब बोल्ट का डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। आप देखेंगे छोटे वाले में थ्रेड है, मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए छोटे वाले में थ्रेड है, छोटे वाले में थ्रेड है, बड़े वाले में थ्रेड नहीं है। तो जो हम बोल्ट लगाते हैं, बोल्ट लगाने के डायरेक्शन किधर होगा, जिधर से थ्रेड नहीं है उधर से हम बोल्ट डालेंगे, और दूसरे साइड के हैं थ्रेड है तो उसमें जाके ये लग जाएगा, तो हम ऐसे इसे टाइट कर देंगे। तो एक मैं लगाता हूँ फिर बाकी सब मैं लगा के दिखाता हूँ। तो एक बोल्ट यहाँ मैं लगा दिया, ये देखिए इधर आ गया बोल्ट, उसी अनुसार सारे बोल्ट, तो 4 बोल्ट इस डायरेक्शन लगेंगे और 4 बोल्ट अपोजिट डायरेक्शन से लगेंगे। तो आपने देखा हमने 8 वोल्ट, 4 वोल्ट इधर से लगा दिया और 4 वोल्ट इधर से, और इधर देखिए जो अपोजिट साइड से वोल्ट लगा उसमें हमारा स्क्रू ड्राइवर लगाने का जगह है। अब बीच में मैं आपको विंडो दिखाया था, ये देखिए विंडो, विंडो दिख रहा है यहाँ पे, जब हम स्प्लाइस करेंगे तो वो आपको दिखेगा। मैं एक बस एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, यहाँ तो स्प्लाइस करने का मेरे पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये कॉन्टेक्ट वायर सीधा नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये देखिए इसके हुक में, इसके ग्रूव में ये बैठ गया है। यही अगर आपका सीधा होता, ये कॉन्टेक्ट बार जो है अगर सीधा होता तो ये इस पर स्लाइड करता परफेक्टली, आपका ये स्लाइड करता है इस पर हमेशा। अभी थोड़ा ही कर रहा है क्योंकि थोड़ा ही सीधा है, वैसे ये इस पर स्लाइड करेगा हमेशा। तो हम क्या करते हैं कि जो आपका कॉन्टैक्ट बार है, जैसे कि 2 कॉन्टैक्ट वायर है, कॉन्टैक्ट वायर को अगर कटे हुए हैं, कटा हुआ, तो उसमें हम कैसे अटैच करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमारे पास अगर एक कॉन्टैक्ट वायर इधर है, दूसरा टुकड़ा इधर है, या तो एक पूरा कॉन्टैक्ट वायर है जिसमें कहीं पर ऐसा है कि जिसे हम स्प्लाइस करना ही पड़ेगा, या कभी एंडिंग कौन से जोड़ दिया गया जिसे हमको स्प्लाइस करना है, तो उन सारे केसेस में हम क्या करते हैं कॉन्टैक्ट स्प्लाइस डालते हैं। या ड्यूरिंग वायरिंग ऐसा हो सकता है कि आपका कॉन्टैक्ट वायर छोटा पड़ गया,
तो फिर हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वायर जोड़ते हैं तो वहाँ पे स्प्लाइस करते हैं। तो स्प्लाइस करने के लिए पहला काम हम क्या करेंगे, अगर आपका वायर टेंशन में है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वायर टेंशन में है, आप जानते हैं OHE में कॉन्ट्रैक्ट वायर टेंशन में रहता है, तो टेंशन में है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से ऑटो क्लैंप लगाएंगे और ऑटो क्लैंप लगा के चेन पुली से हम लोड लेंगे। चेन पुली से लोड लेते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, अब क्या हो कॉन्ट्रैक्ट लूज हो गया तो दो पार्ट जो है, दोनों पार्ट का हम एंड को शार्पली कट करेंगे और इक्वल, तो हमेशा वो हेक्सो कटर से करेंगे जिससे कि प्लेन कटे। हेक्सो से काटने के बाद हम फाइल से रब कर देंगे और उसके ऊपर हम दोनों को एंड को, अब जिग यूज़ कर सकते हैं, जिग के ऊपर रखें और उसके ऊपर कॉन्टैक्ट स्प्लाइस डाल के ऐसे मूव करा दें, वो उसमें फिक्स हो जाएगा। और इसके बाद आप देखें कि कॉन्टैक्ट का बार का जो एंड है वो हमारा यहाँ पर सेंटर में दिख रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट बार रखा हूँ, आपको यहाँ पर दिखेगा, तो ये विंडो उसी के लिए दिया गया है। अब विंडो से आप देख पाएँ कि हाँ यहाँ कॉन्टैक्ट वायर सेंटर में आ गया है, फिर आप टाइट करना शुरू करें। तो मैं इसे वीडियो में आगे में आपको दिखाता हूँ कैसे इसे इंस्टॉल किया गया है, एक लोकेशन दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक ट्रमवे OHE में कॉन्टैक्ट वायर को स्प्लाइसिंग किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑटो क्लैंप से और चैन पुली से लोड लिया गया और कॉन्टैक्ट वायर को प्लेन करके काट दिया गया है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये काटा जा चुका है। अभी हम क्या करते हैं, सीलिंग पे कॉन्टैक्ट वायर को, क्योंकि यहाँ पे हम जीग यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए कॉन्टैक्ट वायर को सीधा करके सीलिंग पे के सहारे हम पकड़े हैं। और अभी देखिए इक्वल काटा गया है और इसके ऊपर लूज कॉन्टैक्ट स्प्लाइस फिट कर दिया गया, फिट हो गया। अभी हम बोल्ट टाइट करेंगे, देखिए बोल्ट टाइट किया जा रहा है, आठों बोल्ट को टाइट करेंगे बारी बारी से और हम देखेंगे कि प्रॉपरली बैठ गया है कि नहीं स्प्लाइस। यहाँ देखिए अच्छी तरह बैठ गया है। अभी इसमें हम टाइटनेस इंश्योर करेंगे, टाइटनेस हमेशा पेयर में दें, आठों बोल्ट को पेयर में जब आप टाइट देंगे तो प्रॉपरली टाइट होगा। मैं आपको बता दूं कि कॉन्टैक्ट स्प्लाइस में जो आप 41 टीथ देखे उसी टीथ के सहारे ये कंप्लीट लोड सस्टेन करता है, तो उतना लोड को सस्टेन करने के लिए प्रॉपर टाइटनेस ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका टाइटनेस नहीं रहेगा तो कभी भी OHE पार्टिंग हो सकता है, तो उस चीज़ से बचें। तो टाइटनेस हमेशा अच्छे से इंश्योर कर लें, जब टाइट कंप्लीट हो जाए आप इंश्योर हो जाएं कि अभी आपका स्प्लाइस परफेक्टली टाइट है। इसके बाद धीरे धीरे चैन पुली से आप लोड रिलीज करते हैं, तो अभी हमारा टाइटनेस कंप्लीट हो गया है, अभी चैन पुली रिलीज कर रहे हैं जिसे हम फंसा के रखे थे। अभी देखिए चैन पुली ये लोग रिलीज कर रहे हैं, जैसे जैसे लोड रिलीज होगा तो आप जो सीलिंग देख रहे हैं सीलिंग पर से लोड रिलीज हो रहा है और सारा लोड शिफ्ट कहाँ हो गया, कॉन्टैक्ट वायर पे, तो स्प्लाइस में सारा लोड आ गया। अभी हम चैन पुली हटा लेंगे और दोनों ऑटो क्लैंप भी खोल लेंगे, तो यहाँ देखिए जो ऑटो क्लैंप लगा हुआ था उसे खोला गया है, जो कि साइकिल के थ्रू पकड़े गए थे, तो दोनों ऑटो क्लैंप खोल लेंगे। इसके बाद हम कॉन्टैक्ट वायर को चेक करेंगे कि कॉन्टैक्ट वायर में कहीं भी आपका किंक तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऑटो क्लैंप लगाने से कॉन्टैक्ट वायर में किंक आ जाता है, तो वो भी हम देख सकते हैं अगर किंक है तो उसे हम किंक रिमूवर से रिलीज़ कर देंगे। यहाँ देखिए किंक देख रहे हैं तो किंक और चेकिंग इसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये आपका स्प्लाइस कम्प्लीट हो गया, ये देखिए परफेक्टली टाइट है और दोनों तरफ से कॉन्टैक्ट वायर का लोड ये सस्टेन किए हुए। तो जब आप टावर चेकिंग करें तो इसमें आप एक बार ज़रूर इसे अच्छे से रुक के चेक करें ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और ड्यूरिंग मेंटेनेंस भी, और इसका टाइटनेस चेक करें, फाइलिंग करें।